वेलकम बैक फ्रेंड दोस्तों, नमस्कार। इस वीडियो में बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस जेल वार्डर फायरमैन घुड़सवार वैकेंसी जो आई थी 2016। आप सबको पता ही होगा 2016 में ये वैकेंसी आई थी जेल वार्डर फायरमैन घुड़सवार की। और दोस्तों, हुआ ये था कि ये वैकेंसी अखिलेश की सरकार में आई थी। जब अखिलेश की सरकार थी तो ये वैकेंसी कराई जा रही थी मेरिट बेस पे, लेकिन ये सरकार न्यू सरकार आई जब योगी आदित्यनाथ आए तो इस वैकेंसी को बोल दिया कि ये लिखित परीक्षा के आधार पे होगी। तो सभी बच्चों का मत हुआ था कि ये लिखित परीक्षा के आधार पे ये वैकेंसी होनी चाहिए और इसको मेरिट बेस पे नहीं कराना चाहिए। तब भी बात सामने निकल के आई थी और फिर नोटिफिकेशन भी जारी हुआ था, आर्टिकल भी जारी हुआ था कि ये परीक्षा जेल वार्डर फायरमैन का ये परीक्षा लिखित परीक्षा होनी चाहिए, मेरिट बेस पे एग्ज़ाम, मेरिट बेस पे इसका सिलेक्शन बच्चों में नहीं होना चाहिए। लिखित परीक्षा करा के बच्चों का सिलेक्शन देना चाहिए, योग्य बच्चों का। मैं भी सहमत हूँ इस प्रक्रिया से, क्योंकि ये लिखित परीक्षा होना चाहिए। जो भी योग्य बच्चे होंगे वो सीट लेके जाएंगे, उनकी जॉब लग जाएगी। लिखित परीक्षा अपने दम से जो बच्चे निकालेंगे उनका सिलेक्शन होना चाहिए, ये सबसे अच्छी बात है। ये मैं भी सहमत हूँ 100% इसे। चलिए आगे बात करते हैं जेल वार्डर फायरमैन एग्ज़ाम के बारे में। आपको पता ही होगा ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया, कल एक वीडियो हमने अपलोड कर दिए थे, आप लोग देखे होंगे उस पर जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ था जेल वार्डर फायरमैन के लिए कि आपका एग्ज़ाम कब होगा। एडमिट कार्ड आपका तैयार हो चुका है लगभग, लेकिन अभी रिलीज़ नहीं किया जाएगा। 10 दिन पहले एग्ज़ाम रह जाता है या फिर 3 दिन, तब आपका एडमिट कार्ड आता है। जब भी आएगा हम आपको नोटिफिकेशन लेके आएंगे सबसे तेज़ी से। जैसे नोटिफिकेशन जारी हुआ था पहली वीडियो हम ही बनाए थे यूट्यूब पर और अपलोड किए थे, किसकी, जेल वार्डर फायरमैन का। और हाँ, 49,568 वाले बच्चे, आपका ही मेडिकल, अब बहुत जल्दी आपका मेडिकल होगा। आपको पता होगा कि जितने भी सारे सरकारी दफ्तर हैं वो खुल चुके हैं, तो आपका मेडिकल नोटिफिकेशन जारी होने वाला है, बहुत जल्द जारी हो जाएगा। बच्चा थोड़ा सा इंतज़ार करो, बहुत कुछ ही दिन, उसके बाद आपका जल्दी नोटिफिकेशन आने वाला है। सब कुछ प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी है, सिर्फ नोटिफिकेशन जल्दी आएगा कि आपका मेडिकल किस डिस्ट्रिक्ट में कहाँ कहाँ होना है, कितने बजे होना है, सब कुछ पूरा शेड्यूल निकल के आएगा। तो टेंशन मत लेना, लाइन पर जुड़े रहना। जो नए बच्चों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना। जल्दी स्टार्ट करते हैं, पहले इसको बात करते हैं फायरमैन में घुड़सवार के बारे में। इसमें देख लीजिए टोटल बहुत सारे डाउट क्लियर करने हैं, A to Z, प्रमाण पत्र, आयु सीमा, महिला और महिला पुरुष सभी के बारे में बात करने वाले हैं। तो लाइन पे बने रहना, बहुत मस्त वीडियो आपको, ये वीडियो आपको बहुत ज़बरदस्त जमेगी और अच्छी भी लगेगी। और आप अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना। जो नए बच्चे रिक्वेस्ट करते हैं चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना ऐसे लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। बाकी हम इसका सिलेबस जो होगा एग्ज़ाम का सिलेबस हम कम्युनिटी पर शेयर कर देंगे, वहाँ पे पूरा HD क्वालिटी में, आप वहाँ पे नोट डाउन कर लेना अपने नोट्स में। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं नल लेट करके। उत्तर प्रदेश पुलिस जेल वार्डर फायरमैन एग्ज़ाम 2020 सितंबर में होने वाला है। टोटल कुल पोस्ट कितनी थी, कुल पद थे 58, यानी 5,805 पद, बहुत ज़्यादा हैं। जो बच्चे भी फेल हो गए हैं कुछ बच्चे इसमें ले जाएंगे, अभी मज़ा आएगा देखिएगा। यहाँ पे देखिए महिलाओं की कुल सीट कितनी है, जेल वार्डर में सिर्फ इनकी सीट है 626 सीट महिलाओं की, बहुत ज़्यादा है 626 सीट महिलाओं की। वहीं पर पुरुष की बात करते हैं, टोटल पोस्ट इतना है 5,805 पोस्ट है, महिलाओं का 626 और पुरुष का जेल वार्डर में 3,012 पोस्ट, और फायरमैन में पुरुष का है 2,065 और वहीं पे घुड़सवार 102 पोस्ट है। वहीं भी बात करते हैं पुरुष का टोटल हो जाता है 5,179 पोस्ट टोटल पुरुष के लिए, बाकी महिलाओं का 626 टोटल मिला हो गए तो 5,805 पोस्ट, यानी 5,805 पोस्ट है, जो कि बहुत ज़्यादा पोस्ट है इतना, क्योंकि अभी कंटिन्यू वैकेंसी रिलीज हुई थी और इसका एग्ज़ाम भी हुआ था, बहुत से बच्चों का सिलेक्शन हो गया है। अभी आपको दिखाते हैं, यहाँ पे देखिए नोट फ्रेंड, जो नोट करते हैं यहाँ पे नोट देखिए, यह वैकेंसी 2016 की होगी, आप सबको पता ही होगा। यहाँ पे देखिए नोट, पहले यह वैकेंसी मेरिट बेस पर होती थी पहले, लेकिन अब लिखित परीक्षा के आधार पर होगी, वो भी ऑफलाइन परीक्षा होगी। एक दिन में हो सके तो एक दिन में 2 शिफ्ट में एग्जाम खत्म हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा इसमें फॉर्म ऑनलाइन नहीं हुए। देखिए नोट फ्रेंड, UPP की जैसे पहली लिखित परीक्षा हुई है सेम वैसे ही इसकी परीक्षा होगी। 41,520 की जैसे लिखित परीक्षा हुई है, 49,568 की जैसे लिखित परीक्षा हुई, सेम ऐसे ही परीक्षा इसकी होगी। देख लीजिए टोटल 300 नंबर का होगा, 150 प्रश्न होंगे, हिंदी के 37 प्रश्न होंगे। आगे देखें, यहाँ पे देखिए फ्रेंड, हिंदी के 37 प्रश्न होंगे, मैथ के 20 प्रश्न होंगे, और रीजनिंग के 55 प्रश्न होंगे, और वहीं पे GK के क्वेश्चन होंगे 38। टोटल 150 क्वेश्चन आएगा, सेम जैसे अभी तक एग्ज़ाम हुआ है, 300 नंबर का 150 प्रश्न, एक क्वेश्चन, 2 नंबर का निगेटिव मार्किंग रहेगी। फिर आगे देखिए फ्रेंड, नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है एग्ज़ाम, ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है, इसका एग्ज़ाम होगा। बहुत ज़्यादा ही लेट हो चुका है, बहुत ज़्यादा ने बहुत ज़्यादा, 2016 की वैकेंसी है, 2020 में इसका एग्ज़ाम्स होने वाला है। तो
तो कितना ज़्यादा है, 4 साल ज़्यादा हो गया, यानी 4 साल लेट हो चुका है, तो इसको बहुत ज़्यादा लेट कह सकते हैं। ये परीक्षा सितंबर में होकर ही रहेगी और एकदम ऑफिशियल है, इस बार परीक्षा सितंबर में आपकी हो जाएगी। टोटल आपको 110 दिन मिलते हैं, 110 दिन में इसको दोगुना मल्टीप्लाई करोगे 2 घंटे से, तो आपका 220 घंटे होंगे, तो बहुत ज़्यादा होते हैं 220 घंटा। अगर दो 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 घंटे पढ़ोगे तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा डेली कंटिन्यू। बाकी आप 3 करोगे 4 करोगे 4 घंटे 5 करोगे तो आपका बढ़ता ही जाएगा, सिलेक्शन आपका हो जाएगा। कुल फॉर्म कितने भरे गए हैं आवेदन, टोटल 5.5 लाख आवेदन हुए हैं, कम हुए हैं ज़्यादा इससे नहीं हुए हैं, इससे माइनस हुआ, प्लस में नहीं जाइएगा। 5.5 लाख फॉर्म ऑनलाइन हुए हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए फ्रेंड, 2016 से 2020 तक बहुत से बच्चों का किसी न किसी में सिलेक्शन हो गया होगा, कहीं ना कहीं जॉब कर रहे होंगे। तो जैसे मान लीजिए 2016 से अब तक, एग्जाम्पल मान लीजिए लेखपाल को हुई थी भर्ती, UP SSSC को हुई थी, रेलवे ग्रुप डी, रेलवे RPF, RPF SI, फिर यहाँ पे देखिए रेलवे JEE लोको पायलट, रेलवे NTPC, बहुत सारे एग्जाम्स हुए हैं जिसमें बच्चों का सिलेक्शन हो गया होगा। दिल्ली पुलिस, मध्य प्रदेश पुलिस, हरियाणा पुलिस, राजस्थान पुलिस, ETC, बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हो गया होगा 2016 से अभी तक, कोई इंतजार नहीं करेगा। UPP 41,520, ये तो फिक्स हो गई। UPP 49,568, जो बच्चे सिलेक्शन ले वो कभी एग्जाम देने नहीं जाएंगे क्योंकि उनका सिलेक्शन ऑलरेडी हो गया उसी जॉब में। UPP 35,000 मेरिट बेस, ये भी सिलेक्शन हो गया। सोचो अगर इतने बच्चों का काम करोगे अब तक टोटल इतने बच्चों का, तो बहुत सारे बच्चे इसमें से लाखों लाख बच्चे निकल जाएंगे और बचेंगे, कंपटीशन आपका बहुत कम रह जाएगा। तो आपको 5 लाख साढ़े गए हैं, कम से कम 1 लाख बच्चे का सिलेक्शन हो गया होगा, कहीं ना कहीं इधर उधर किसी न किसी एग्जाम में क्रैक कर लिए होंगे, उनका सिलेक्शन हो गया होगा। तो कंपटीशन बिल्कुल भी नहीं है, जो दिल से मेहनत करेगा, अच्छे से थोड़ा सा मेहनत कर दोगे, सच में आपकी जॉब लग जाएगी, विश्वास मानिए। क्योंकि इसमें भी बच्चे बहुत कम एग्ज़ाम देंगे और सभी लोग कम से कम 20-25% तो अब्सेंट ही हो जाते हैं किसी न किसी कारण से। तो प्लीज़ अच्छे से, जो बच्चा दिल से मेहनत करेगा, थोड़ा सा मेहनत कर देना, अच्छे से आपकी जॉब लग जाएगी। अब वहीं बात करते हैं, बच्चे ने पूछा था सर एज लिमिट क्या है, बच्चा आपको बता देना चाहते हैं। एज लिमिट इसमें 18 से 22 साल थी, जनरल वाले की काउंट की जा रही थी 1 जुलाई 2018 तक, 1 जुलाई 2018 तक एज काउंट की जाएगी। यहाँ पे देखिए 18 से 22 साल होना चाहिए। OBC के 3 साल छूट मिलेगी इसमें, 22 में 3 साल जोड़ देना और SC के 5 साल, 22 में 5 साल जोड़ देना, आपको छूट मिलेगी। वहीं पे देखिए महिला की 18 से 25 साल थी, 16 वाले बच्चों को एज में छूट मिलेगी, टेंशन मत लेना, आपको एज में छूट मिलेगी, एग्जाम आप दे सकते हैं। प्रमाण पत्र कैसा होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र बहुत इंपॉर्टेंट है आपका सिलेक्शन में। OBC का देख लीजिए 1 जनवरी 2018, यानी ये 2018 का निवास प्रमाण पत्र सभी का होना चाहिए, SC चाहे हो चाहे ST हो और OBC, इनका निवास प्रमाण पत्र 1 जनवरी से यानी 2018 तक होना चाहिए, दिसंबर तक लास्ट तक। उसके बाद वहीं पे बात करते हैं, यहाँ पे देखिए फ्रेंड जाति प्रमाण पत्र OBC देख लीजिए 1 अप्रैल 2018 तक, और वहीं पे बात करते हैं SC की, तो इसमें भी कंडीशन दे दी है 1 अप्रैल 2018 तक। अंतिम तिथि इसकी बढ़ाई गई थी 2019 लगभग जनवरी फरवरी तक बढ़ाई गई थी, तो अंतिम तिथि तक इसका मान होगा, टेंशन मत लीजिएगा। बाकी SC ST को उसमें नहीं दिया था, हम आपको ऑफिशियल दिखा दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए फ्रेंड साफ साफ बोला गया है, यहाँ पे देखिए अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जाति प्रमाण पत्र प्रारूप 1 अप्रैल 2018 से या उसके बाद का किंतु इस भर्ती निर्धारित आवेदन की अंतिम तिथि तक होना अनिवार्य होगा। वहीं पे जाति अनुसूचित जाति SC जाति प्रमाण पत्र 1 अप्रैल 2018 या उसके बाद किंतु इस भर्ती के अंतिम निर्धारित तिथि तक का होना जरूरी है। तो ये आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखा दिए ताकि आप लोग का डाउट क्लियर हो जाए, बिल्कुल भी आप लोग का कन्फ्यूजन ना रहे। तो आपको नोटिफिकेशन भी दिखा दिए हैं और आपको हम अपने लिखित भाषा में आपको बता दिए, समझाने की कोशिश किए हैं, तो आप समझ जाइएगा। जो जो बच्चे फॉर्म डाले होंगे अपना एक बार मिला लेना, उसमें कोई त्रुटि तो नहीं है, फॉर्म निकाल लेना, प्लीज़ चेक कर लेना, कोई इसमें त्रुटि तो नहीं, माता पिता का नाम, आपका नाम, हाई स्कूल, इंटर, कोई भी त्रुटि होगी तो प्लीज़, जो वीडियो देख रहे होंगे बच्चे प्लीज़ एक बार मिला के अपना मिला लीजिएगा, कोई गलती तो नहीं है जाति प्रमाण, क्योंकि आप लोग मेहनत करेंगे, एग्ज़ाम देंगे ज़रूर, कोई इसमें त्रुटि ना रह जाए प्लीज़। अगर कोई त्रुटि होती कमेंट करके ज़रूर बताना, उसका सलूशन हम निकालेंगे। तो प्लीज़ अपना फॉर्म एक बार जाके चेक कर लेना, रिक्वेस्ट करते हैं आप सबका, फॉर्म अपना खोल के चेक कर लेना, कोई गलती तो नहीं है, क्योंकि आप लोग का एग्ज़ाम सितंबर में होने वाला है। बाकी आपको सिलेबस दिखा दे रहे हैं फ्रेंड, यहाँ पे देखिए सिलेबस है, देख लीजिए सिलेबस, स्क्रीन शॉट ले लेना। आगे देखिए हिंदी का सिलेबस है, यहाँ पे देखिए सिलेबस, संख्यात्मक और मानसिक योग्यता, इसका हम उस पर डाल देंगे फ्रेंड, कम्युनिटी पर शेयर कर देंगे अच्छे से, आप इसको स्क्रीन शॉट ले लेना, फिर भी हम आपको दिखा दे रहे हैं, शॉट ले लेना, स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा। मेंटल एबिलिटी यहाँ पर देखिए, इसका भी स्क्रीन शॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, रीजनिंग का ले लो, बाकी हम इसको कम्युनिटी पे शेयर कर देंगे, आप अच्छे से पूरा स्क्रीनशॉट ले लेना और अपने नोट डाउन कॉपी में कर लेना, इसी हिसाब से आपको पढ़ना है।
बाकी कोई ना कोई बच्चा एग्ज़ाम दिया होगा, 41,520, 49,520 उसी बेस पे सिलेक्शन होगा और उसी बेस पे आपकी लिखित परीक्षा होगा। सेम वैसे प्रक्रिया होंगी जैसे अभी तक फॉलो होती आई हैं 2018, 2019, अब 2020 की बारी है। बाकी 49,568 वाले बच्चों को जल्दी उस पर हम वीडियो बनाएंगे क्योंकि उनका भी स्पेशल वीडियो है, क्योंकि उनका भी सिलेक्शन होने वाला है, उनकी भी तिथि जारी होने वाली है, मेडिकल तिथि। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जबरदस्त वीडियो के साथ। कोई भी गलती हो तो कमेंट करके बताना, और कोई भी क्यूरी रहेगी तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, और नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए कमेंट करके जरूर बताना। बाकी हम 49,000 वाले 568 पे वीडियो जल्दी बना देंगे बच्चों के लिए। और बाकी सभी दफ्तर, सरकारी दफ्तर खुल चुके हैं, अब प्रक्रिया बहुत तेज़ी से होगी क्योंकि यूपी SSSC भी कई नोटिफिकेशन जारी किया है, अभी भी आज भी नोटिफिकेशन उसका आया है। बाकी अब नोटिफिकेशन आने लगे हैं तो आप सबका बिल्कुल भी विलंब नहीं होगा, लेट नहीं होगा, आप सबके प्रक्रिया बहुत तेज़ी के साथ कराई जाएगी। बाकी इंटरव्यू में योगी आदित्य सम्मेलन हुआ था, उसमें भी योगी आदित्यनाथ बोले थे कि बच्चों का मेडिकल जल्दी कराया जाएगा। तो आप तब तक आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद। कोई भी क्यूरी हो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। थैंक यू।